Assalamualaikum to everyone, welcome back to another vlog. हम आज अपने गांव जा रहे हैं. हमारा गांव समंदरी में है. आज का हमारा ट्रैवल वाया M3 मोटरवे से होगा और इसके रास्ते में आने वाले तमाम सिटीज़ की डिटेल्स विद किलोमीटर में आपके साथ शेयर करूंगी. वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको तमाम डिटेल्स मिल सकें. हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं. किसी ने अगर लोकल जाना हो तो लाहौर समुंदरी तो वो न्याजी बस स्टॉप से जा सकता है, वहाँ से इजीली बस मिल जाती है. DHA फेज़ 3 से न्याजी बस स्टॉप का ट्रैवल 17 किलोमीटर है. कलमा चौक से 8.5 और लाहौर से समुंदरी का जो ट्रैवल है वो 140 किलोमीटर है टोटल. ये हम कायदे आज़म इंटरचेंज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से गुज़र के हम रिंग रोड को ही चूज़ करेंगे ट्रैवल के लिए. अब हम बाबू साहब पहुंच चुके हैं. यहाँ से अब हम M2 मोटरवे सिलेक्ट करेंगे और फिर M2 मोटरवे से होते हुए M3 को सिलेक्ट करके तो हम अपने सफ़र की तरफ रवा दवा होंगे. प्लाजा से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर M3 मोटरवे स्टार्ट हो जाती है और अब हम M3 मोटरवे पर जा रहे हैं.
मोटरवे पे पहला जो क़यामत आम है ना वो 30 किलोमीटर के फासले पर आता है, और यहाँ अब हम रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पे गाड़ी में फ्यूल वगैरह डलवा के, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। लाहौर से समंदरी जाते हुए रास्ते में 3 इंटरचेंज आती हैं, सबसे पहले शर्कपुर, दूसरी ननकाना साहिब और तीसरी जड़ावाला। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम समंदरी इंटरचेंज पहुंच चुके हैं। इस इंटरचेंज से समंदरी और तांदला जो सिटी है ना वो 10-10 किलोमीटर के फासला पर हम मौजूद है। हम समंदरी की तरफ जाएंगे और हमारा जो गांव है वो फैसलाबाद रोड पे है। जब हम गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमने ये काफ़ी सारे कैमल देखे, तो रामीन ने देख के बहुत खुश हो गई थी, ये बहुत ज़्यादा थे तादाद में ना। आगे मैं आपको दिखाऊंगी हमारे गांव में ये घोड़ों का अस्तबल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।